वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या और गौ कशी दोनों ही प्रतिबंधित है। योगी की पुलिस गौ रक्षा के लिए इतनी मुस्तैदी से तैनात है और कोई भी अपराधी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसका एनकाउंटर करने से भी यूपी पुलिस पीछे नहीं हटती। इस बात का सबूत अब आए दिन सामने आती खबरों में साफ देखने को मिल ही जाता होगा। इसी कड़ी में अब एक और गौ हत्यारा योगी सरकार और यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस नेता माहिरा खान उर्फ मैग वारसी है, जिन्हें 7 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब ये क्या मामला है और आखिर ऐसा क्या हुआ था 7 साल पहले जो उन्हें सीधा गिरफ्तार कर लिया गया, तो सुनिए। कांग्रेस की महिला इकाई की महानगर अध्यक्ष माहिरा को गौ हत्या, पशु तस्करी और धोखाधड़ी के आरोप में इन आरोपों में सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। माहिरा मुरादाबाद देहात सीट से प्रत्याशी के रूप में टिकट की दावेदारी भी पा चुकी है और ऐसे में माहिरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया है, जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके नेता किस तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर उन्हें यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बताया ये भी जाता है कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब माहिरा गौवध और पशु तस्करी के अवैध कारोबार में लगी थी। वो कैंटर का नंबर प्लेट बदलकर पशुओं का अवैध कारोबार करती थी और उन्हें बूचड़ खानों में ले जाकर कटवाकर उनकी हत्या करवाती थी। इसी अवैध कारोबार से उन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई भी की। इस दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से माहिरा हमेशा यूपी पुलिस से बचती रही। ऐसा तो समाजवादी पार्टी में कई नेताओं के साथ हुआ है, फिर भले ही चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई और बड़ा नेता जो लगातार अपराध करता रहा लेकिन राजनीतिक संरक्षण की वजह से यूपी पुलिस या फिर सूबे का प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ऐसा करने से उनका प्रशासन भी थर थर कांपता था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तबादलों या फिर नौकरी जाने का डर रहता था। वहीं जाहिद नाम के एक व्यक्ति ने माहिरा पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी लिखवाया था। जाहिद का कहना था कि इंटर कॉलेज की मान्यता दिलाने के नाम पर भी माहिरा ने उनसे 3.5 लाख रुपए की चपत लगाई थी। अब ऐसे धोखाधड़ों और साथ ही खास तौर पर भगवाधारी योगी जिन गायों की पूजा करते हैं, हिंदू सभ्यता में जिनको मां के रूप में पूजा जाता है, उनकी हत्या करके अनैतिक रूप से कई सारे पैसे कमाने वाले को योगी सरकार कैसे बख्श सकती है। वहीं फिर चाहे वो कोई कुख्यात बदमाश हो या फिर कोई राजनीति का सफेद चोला ओढ़े कोई मंत्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर यूपी पुलिस ठान ले तो फिर उसे सजा मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वहीं एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि माहिरा के गैंगस्टर एक्ट मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है और उनके खिलाफ कोर्ट का वारंट चल रहा था। वहीं ठाकुर द्वार के प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने बताया कि भोजपुर में माहिरा के खिलाफ गौवध अधिनियम की धारा में कई मुकदमे दर्ज है। मुगलपुरा में थाने में इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट में आपको बता दें कि गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें शौकत बाग निवासी माहिरा खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये कोर्ट द्वारा पूर्व के एक मुकदमे में इनका NBW जारी हुआ था। माहिरा खान इस महिला का नाम है जिसको मुगलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर गिरफ्तार। अब ऐसे में सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठते हैं क्योंकि एक तरफ तो पार्टी के आलाकमान नेता यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, जिन्हें उधारी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में पदभार संभालने की जिम्मेदारी देते हैं जो हिंदुओं की देवी के रूप में माँ के रूप में पूजी जाती है। गायों की हत्या करने वाले लोगों को वो अपने यहाँ पर मंत्री बनाते हैं। आपकी नजर में क्या योगी सरकार ने जो भी ये कदम उठाया है वो सही है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।